बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। जिसने विधानसभा के कांग्रेस के कैंडिडेट वर्तमान विधायक रूपाराम जी धनदेव यहाँ पर आए हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर है, जैसलमेर का आराध्य देव जी है लक्ष्मीनाथ जी, उनके दर्शन करने आए, उनकी शुरुआत कर रहे हैं। आज विधिवत अपनी कैंपेनिंग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। स्वागत है रूपाराम जी, आपको बहुत बधाई। आपको कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, कैंडिडेट बनाया, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रत्याशी बनाती है उन लोगों की भावनाओं को देखते हुए। मैंने 35 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा की, फिर जोग संजोग से 14 से मेरी बेटी को जिला प्रमुख यहाँ के लोगों ने बनाया, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया। 13 और 18 में 2 बार मुझे टिकट दी। 13 में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी स्टेट में कमजोर थी, फिर भी मैं हाईएस्ट मत मैंने हासिल किए। 190 कांग्रेस कैंडिडेट के मत मेरे से कम प्राप्त थे उस वक्त में, मेरा करीब 10वां नंबर था। और अभी 18 में जनता ने रिकॉर्ड तोड़, ये सामान्य सीट है, मैं अनुसूचित वर्ग से हूँ, 57% सामान्य सीट पे अनुसूचित वर्ग का 57% वोट ले ले, जबकि एससी एसटी का मात्र 19% है। तो ये सब लोगों का आशीर्वाद रहा, ये देश के अंदर एक रिकॉर्ड है। और जो 200 एमएलए 2018 में जीते सभी पार्टियों के, उसमें यहाँ की जनता ने मेरे को 14वीं रैंक दिलाई, 186 हमसे नीचे थे, तो ये बिरले रिकॉर्ड है, ये टूटते नहीं है। तो जो पार्टी का जो हमारा सिस्टम है ऊपर से आंकलन करने का, वो सटीक आंकलन है, सुपारसा से नहीं मानते हैं। तो जनता ने जो मेरे को दिया तोहफा, उसी वजह से मुझे अभी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दूसरे नंबर पे उसका आंकलन सही किया, इसलिए हाई कमान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो चैलेंज की बात थी कि तो 5वीं जो है सूची आई, उसमें आप कर रहे, इतना देरी से क्यों हुई? कई प्रकार के जो है मानविंदर सिंह भी यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? कई लोग आपको नहीं चाह रहे थे कि टिकट नहीं मिले, कांग्रेस के कई जो है लोग नहीं चाह रहे थे। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है, कोई भी पात्र व्यक्ति, चाहे सिंह हो, चाहे राम हो, चाहे लाल हो, चाहे दास हो, तो वो मांग कर सकता है टिकट की। यहाँ जैसलमेर में कई लोगों ने मांग की, 2 पार्टियां मुख्य है, बीजेपी में की, कांग्रेस में की। मैंने जैसे बताया, जनता के आशीर्वाद से, हाईकमान के निर्णय से टिकट मुझे मिली है। बात लेट की रही, फॉर्म भरने 6 तारीख तक और सिंबल देने तक कोई लेट नहीं होता है, सिंबल पहुंचना चाहिए। पहले मिली जीतेंगे तो वो, और मेरे को लेट मिली तो एमएलए एक भाव के, उनका नहीं उसका अलग रेट जाएगा, जी अगर जाता है वैसे एक भाव के, कोई लेट वेट नहीं। और कई लोग भीतर आप भी कर सकते हैं इस प्रकार संबंध, दूसरा गुट जो आपसे हमेशा खिलाफ रहा है, प्रतिद्वंदी बना हुआ रहता है, किस तरह आप पत्नी नहीं आप भीतर घात, जितनी भी अपने शादियां होती है कहीं यार पति पत्नी भी भीतर घात कर लेते हैं, तो ये विश्वास करना चाहिए। जनता जो बहुसंख्यक है वो कोई भीतर घात नहीं करती। मैं अभी प्रचार कर चुका हूँ 8 महीने से, मेरे को लोग अभी टिकट की बधाई नहीं देते, सीधी जीत की बधाई देते हैं। यहाँ भी लोगों ने जीत की बधाई दी, तो ये जनता कभी भीतरघात नहीं करते। और इंडिविजुअल कोई भीतरघात करे तो उसका ध्यान मालिक रखता है, जनता रखती है। अल्पसंख्यक समुदाय का कितना आप विश्वास होगा? इस प्रकार की ऐसी भी चर्चा है कि कई लोग जो है भीतरघात कर सकते हैं आपके लिए खिलाफत कर। देखो आप पत्रकार है, अगर आप सही आंकलन करते हो तो मेरे को 2018 में अल्पसंख्यक वर्ग के पड़े हुए वोटों के 97% वोट पड़े, 97% वोट कांग्रेस के अल्पसंख्यक कैंडिडेट को भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं पड़े। और अब की बार भी अल्पसंख्यक वर्ग, मैं सभी वर्गों का काम करता हूँ, एक का टाल के तो करता नहीं हूँ, मेरे में कैपेसिटी है कि मैंने स्टेट चला के आया हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर था, तो देश में विधानसभा काम करना मेरे लिए बड़ा काम नहीं है। तो मैंने जो काम किया है, आप बूथ वाइज अल्पसंख्यक भाइयों के
लगभग आप लोग पूछा पूछी करते हो या सुनते हो गोपाजों की बातें, अलग से भाइयों के करीब ना 90 बूथ अलग से हैं, वहाँ पिछली बार मुझे 98% वोट मिले, तो ये इससे अधिक तो क्या होगा, 100 से ऊपर तो होता नहीं। ये थे कांग्रेस कैंडिडेट रूपाराम जी, जो बता रहे थे कि आल कमान व हाई कमान ने इन पे विश्वास किया था, और सबसे बड़ी बात है इनको जनता पे, जनता का भी बहुत बड़ा समर्थन है। ये लगातार जो है वो 8 महीने से लगातार ये पूरा सब अपने चुनाव प्रचार में लगे थे, इनको पूरा विश्वास था कि टिकट इन्हीं को मिलेगी। अभी भी यही कह रहे हैं कि सभी लोग जो मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आप विजयी होंगे, और ये सबसे बड़ी दुआएं इनको पब्लिक से मिल रही है, ये रूपाराम जी का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।